जालौर सिरोही से सांसद देवजी पटेल ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान किसानों से जुड़ा मुद्दा उठाया। देवजी पटेल ने कहा कि पिछले साल राजस्थान में बारिश बहुत कम हुई थी, जिसके मद्देनजर मैंने अपने संसदीय क्षेत्र को सूखा क्षेत्र घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा था। देवजी पटेल ने कहा कि राजस्थान के अंदर सरकार किसानों के साथ में अन्याय कर रही है, उसका जीता जागता उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र में मिला। जब केंद्र से टीम सर्वे के लिए आई और जब मैंने टीम के साथ संपर्क किया, हमें बताया कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सिरोही जिला में दो ब्लॉक पिंडवाड़ा और रेवदर को छोड़ दिया गया है। देवजी ने स्पीकर को बताया कि सर्वे करने गई केंद्रीय टीम को गुमराह किया और उनसे सर्वे नहीं करवाया गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह केंद्रीय सर्वे टीम को आदेश दे कि पिंडवाड़ा और रेवधर को भी अकाल क्षेत्र में शामिल किया जाए, ताकि वहां के किसानों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके। हमने वहां पे भी उस केंद्रीय टीम को ज्ञापन दिया था, मेरे एमएलए ने भी ज्ञापन दिया। ये दो ब्लॉक जो है हमारे विधानसभा है मैडम महोदय, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है और जिस ब्लॉक को लिया वो एक निर्दलीय कांग्रेस समर्पित एमएलए का है, इसलिए उस ब्लॉक को चयनित किया। मैं आपके माध्यम से महोदय मांग करता हूं कि यहां से निर्देश उनको दें कि केंद्रीय टीम जो सर्वे करके आई है उन रेवदर और पिंडवाड़ा के किसान जो है उनको भी मुआवजा मिले, उनको भी राहत मिले, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। धन्यवाद।